नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। पिछले दिनों ज्योति कुमारी, जो कि दरभंगा के रहने वाली है, गुरुग्राम से साइकिल से अपने पिता को लेकर 7 दिनों में बिहार के दरभंगा पहुंचती है। इस बात को लेकर उसकी जमकर तारीफ भी हो रही है कि लॉकडाउन में जहां लोग काफ़ी परेशान थे, पैदल आ रहे थे, ऐसे में अपने बीमार पिता को साइकिल पर लेकर इतना ज़्यादा सफ़र करके, इतनी लंबी सफ़र करके वो बिहार पहुंचती है, इसको लेकर जमकर तारीफ हो रही है। अब उनकी मदद के लिए पप्पू यादव सामने आए हैं। पप्पू यादव, आपको याद होगा, एक दिन पहले उन्होंने राम पुकार पंडित की भी सहायता की थी, जो इन दिनों प्रवासी मजदूरों का चेहरा बने हुए थे, और अब उन्होंने ज्योति की मदद की है। ज्योति को 20,000 रुपये दिए गए हैं। पप्पू यादव की पार्टी जाप के नेता हैं मुन्ना खान, उन्होंने 20,000 रुपये सौंपे हैं। आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से ज्योति को 20,000 रुपये दिए गए हैं पप्पू यादव की तरफ से। इस संबंध में ज्योति कुमारी क्या कुछ कहती है आपसे? तो फिर आगे क्या किया? पापा को बोले, पापा चलिए, पापा मेरे आने के लिए राजी नहीं था। बोले क्या करिएगा, तो मेरे पास 500 रुपया 1,000 रुपया था, तो इसका साइकिल लिए 500 रुपया। घर पहुँचते पहुँचते कितना पैसा बचा? घर पहुँचते पहुँचते पैसा मेरे पास नहीं बचा, खत्म हो गया था। गांव की तरफ कितने बजे पहुंचे थे? गांव 9 बजे पहुंच गए थे। 9 बजे रात में पहुंचे थे। संपर्क किससे किए थे गांव में? साइकिल से। गांव में किसी से संपर्क किए थे? आप आए तो डायरेक्ट कहाँ गए? डायरेक्ट कहाँ गए? स्कूल पे पहले गए, ब्लॉक गए, ब्लॉक से बोल रहा था उधर जा उधर जा, तो हमको अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम सीधे आके स्कूल। क्या नाम है आपका? पिताजी का नाम? मोहन पास। माता जी का नाम? कौन क्लास में पढ़ते हैं आप? कौन स्कूल? राजकीय मध्य। तो आपने सुना, ज्योति कुमारी ने बताया कि किस तरीके से तमाम परेशानियों को झेलते हुए वो बिहार पहुंची थी। वहीं मुन्ना खान ने पैसे दिए, वो क्या कुछ कहते हैं आपने सुना? आप सुना। बच्ची के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि ये बिहार की झांसी की रानी, इसने जो हिम्मत दिखाया है अपने बीमार पिता के प्रति, जो वहाँ अपने पिता के एक्सीडेंट के बाद जो वहाँ पहुँची, वो इलाजरत पिता का जो सेवा कर रही थी, और उसके बाद लॉकडाउन होता है, उस लॉकडाउन में खाने पीने के लिए जो उनको दिक्कत हुआ, भरण पोषण के लिए दिक्कत हुआ, उसके बाद इसने जो फैसला किया अपने बीमार पिता को लेकर अपने प्रदेश, अपने बिहार, अपने गाँव आने का, इसके लिए मैं इसको सैल्यूट करता हूँ, सम्मान देता हूँ। और मैं चाहूँगा कि किसी भी परिस्थिति में अगर इस बच्ची को कभी कहीं कोई दिक्कत होता है या इसके परिवार वालों को दिक्कत होता है, तो माननीय सांसद पप्पू यादव जी के आह्वान पर जिस तरह आज आके हम लोगों ने 20,000 रुपये दिया है, उसी तरह इनका आगे भी इनका मदद करते रहेंगे, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो या पढ़ाई के मामले में हो। स्वास्थ्य के लिए चिमुन यादव जी हमारे जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उनको बता दिया गया है कि अगर किसी भी तरह का स्वास्थ्य की परेशानी हो तो इनकी जिम्मेदारी कि वो उनको स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराए, और कोई भी खर्च होगा तो इसका खर्च का पूरी जिम्मेदारी जनता पार्टी लोकतांत्रिक उठाएगी। तो आपने सुना किस तरीके से पप्पू यादव लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने तमाम गरीबों की मदद की है, एक बार फिर से उन्होंने ज्योति कुमार की मदद की है। ज्योति कुमारी जो कि दरभंगा पहुंची है साइकिल से, यात्रा करते हुए गुरुग्राम से दरभंगा पहुंची है। आप बन रहे हैं हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चल सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।